हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर नव भारती परिवार के अंदर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेड, इन अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेड एंड ए पार्टनरशिप फर्म। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक क्या है? एकाकी व्यापार और एक साझेदारी फर्म के अंदर लेखा करने के अंदर क्या सिमिलरिटीज है, समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है। असमानता के नाम पर केवल एक ही पॉइंट है, वन एक्स्ट्रा अकाउंट इज ओपन्ड इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एकाकी व्यापार के अंदर जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम एकाकी व्यापारी है, ही इज रनिंग ए सोल ट्रेड। सबसे पहले वो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को और बिजनेस इवेंट्स को, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इवेंट्स? बिजनेस इवेंट्स व्यावसायिक घटनाएं, मॉनेटरी इवेंट्स जैसे 50,000 रुपये का माल जल गया या 10,000 रुपये की चोरी हो गई। दीज लॉसेज कैन बी मेजर्ड इन करेंसी, हम करेंसी के अंदर इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो राम क्या करेगा, सबसे पहले अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को जर्नल के अंदर लिखेगा, डेट वाइज, सीरियल वाइज एंड क्रोनोलॉजिकली। समस्त लेन देनों को सबसे पहले जर्नल के अंदर लिखेगा। यदि बिजनेस बड़ा है तो इन दिस केस जर्नल इज सब डिवाइडेड इंटू मैक्सिमम 8 पार्ट्स। 11th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, जब लेन देनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो एक जर्नल जो होता है वो बल्की हो जाता है, उसमें लिखने में दिक्कत आती है, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के अंदर दिक्कत आती है। दैट्स वाई दिस जर्नल कैन बी सब डिवाइडेड इंटू मैक्सिमम 8 पार्ट्स। वॉट वर द नेम ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जिनको सहायक पुस्तकों के नाम से भी जानते हैं और सहायक जर्नल के नाम से भी जानते हैं। रिविजन के रूप में मैं आपको बता दूँ, जो सहायक पुस्तकें थी परचेजेज बुक, परचेजेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। तो राम क्या करेगा, सबसे पहले जर्नल के अंदर या जर्नल्स के अंदर अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को लिखेगा विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप बुक। जर्नल किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, स्क्रैप बुक की हेल्प से। आप लोगों ने देखा होगा अपनी गली के अंदर दुकानदार होता है, अपन कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, उसके पास में एक कॉपी होती है और उस कॉपी के अंदर वो एक बार याद रखने के लिए उसके अंदर वो लिख लेता है। देन दीज ट्रांजेक्शन्स आर फाइनलाइज्ड बाय द अकाउंटेंट और बाय द ओनर इन द जर्नल। जर्नल में लिखने के बाद में राम क्या करेगा, लेजर बनाएगा। जर्नल के अंदर जो जर्नल एंट्री हुई है, जर्नल के अंदर जो जर्नल एंट्री हुई उसके अंदर से जर्नल एंट्री से वो अपनी खाता बही के अंदर, अपने लेजर के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का और बिजनेस इवेंट्स का क्लासिफिकेशन करेगा। मींस ही विल ओपन ऑल द पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट वो अपनी लेजर के अंदर खोलेगा। इसके बाद में उन खातों का वो शेष निकालेगा, इनका बैलेंस निकालेगा या टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस तैयार करेगा। तो सबसे पहले क्या तैयार किया, जर्नल, जर्नल की हेल्प से लेजर तैयार किया और लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस तैयार किया। ये जो काम राम ने किया, ये काम एक साझेदारी फर्म भी करेगी। साझेदारी फर्म के अंदर भी सबसे पहले जर्नल तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल इज प्रिपेयर्ड
देन लेजर इज प्रिपेयर्ड, देन विद द हेल्प ऑफ लेजर ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स विच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। यहां तक कोई भी असमानता नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो पार्ट है यहां तक का, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसको क्या बोलते हैं, यहां तक का जो काम है बुक कीपिंग का काम है, जिसको हिंदी के अंदर पुस्तपालन बोलते हैं। इसके बाद में लेखांकन स्टार्ट होता है, जहां बुक कीपिंग एंड होती है उसके बाद में अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अंडर द अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अंतिम खाते जब बनाएंगे तो चाहे वो एकाकी व्यापार हो, चाहे वो साझेदारी फर्म हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जहां पर माल का उत्पादन होता है वहीं पर ये तैयार किया जाता है। जहां पर रेडीमेड आइटम्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार नहीं होता है। यदि साझेदारी फर्म भी किसी चीज का प्रोडक्शन करती है तो उस साझेदारी फर्म को भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कौन सा फिगर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत कितनी आई। जैसे हीरो होंडा कंपनी ने 100 मोटरसाइकिल बनाई तो 100 मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करने के अंदर क्या कॉस्ट आई, दिस कॉस्ट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो चाहे वो एकाकी व्यापार हो और चाहे वो साझेदारी व्यापार हो, ट्रायल बैलेंस के बाद में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद में क्या तैयार किया जाएगा, चाहे वो एकाकी व्यापार हो और चाहे वो साझेदारी फर्म हो, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कच्चा लाभ या कच्ची हानि भी बोलते हैं। इसके बाद में दोनों ही तरह के व्यापार के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने के बाद में 6th नंबर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसको हिंदी में लाभ हानि खाता बोलते हैं। लाभ हानि खाते से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब मैंने नंबर 7 के ऊपर एक अकाउंट और दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हिंदी के अंदर लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं। ये अकाउंट एकाकी व्यापार के अंदर तैयार नहीं किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यही एक डिससिमिलरिटी है दोनों का लेखांकन करने के अंदर। साझेदारी फर्म के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होता है, जबकि एकाकी व्यापार के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार नहीं होता है। इसके बाद दोनों ही प्रकार के व्यापार के अंदर साल के एंड में बैलेंस शीट तैयार की जाती है, बैलेंस शीट और द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तैयार किया जाता है। ये कुछ समानताएं, ज़्यादातर समानताएं ही हैं। एक ही असमानता है कि साझेदारी फर्म की दशा के अंदर 1 एक्स्ट्रा अकाउंट इज ओपन विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। इन सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 11th क्लास के अंदर सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स के अंदर अपन क्या तैयार करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज्यूमिंग दैट दिस यूनिट इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहला आइटम अपन क्या लेते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू के अंदर बिना बिका हुआ माल कितने का है। स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड गुड्स. साल के शुरू में वी आर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020, मीन्स कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम द 1st January. सो बट नेचुरल द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर विल बी 31 दिसंबर 2020. 1 जनवरी 2020 को बिना बिका हुआ माल, हम ये मान के चलें कि 1 लाख रुपए का माल बिना बिका हुआ माल था साल के शुरू में. इसके बाद में माल बेचने के लिए माल खरीदा जाता है, माल नगद भी खरीदा जाता है और उधार भी खरीदा जाता है. उसमें से जो माल खराब है वो खरीदा हुआ माल रिटर्न हो जाता है, जिसको अपन परचेजेज रिटर्न बोलते हैं. इसी खरीदे हुए माल में से कई बार माल दान में दे दिया जाता है, चैरिटी में दिया जा सकता है, फ्री सैंपल्स के रूप में दिया जा सकता है. किसी एम्प्लॉय को सैलरी की जगह कैश नहीं देके माल दिया जा सकता है. तो ऑल दीज टाइप ऑफ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ द परचेजेज आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेज. तो दूसरा फिगर अपन क्या लेते थे, नेट परचेजेज. नगद खरीदे गए माल में से और उधार खरीदे गए माल में से रिटर्न्स वगैरह को लेस करने के बाद में साल भर के अंदर जो नेट परचेजेज है, जो शुद्ध क्रय है, वो 6 लाख रुपए का माल हमने खरीद लिया. अब हमारे पास में कितने रुपए का माल हो गया, 7 लाख रुपए का माल हो गया. ये जो 6 लाख रुपए का माल खरीदा, इस माल को खरीदने के ऊपर भी कुछ खर्चा होगा, इसको अपनी दुकान तक या गोदाम तक लाने के अंदर खर्चा करना पड़ेगा, और यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इसका उत्पादन करने के अंदर भी खर्चा होगा. इसके बाद में परचेजेस के बाद में अपन क्या दिखाया करते थे, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी के अंदर प्रत्यक्ष खर्चे बोलते हैं. एक्सपेंसेज विच आर रिलेटेड टू द परचेजेज ऑफ गुड्स और रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. इस माल को खरीदने के अंदर सपोज 80,000 रुपये का खर्चा आ गया. माल बाय रोड भी आ सकता है, बाय एयर भी आ सकता है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, वेजेज है, ऑक्ट्रॉय है, ये सब आपके 11th के अंदर पड़े हुए हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन ने यहाँ दिखा दिए, 4th आइटम. और इन द क्रेडिट साइड 1st आइटम इज नेट सेल्स. नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, नगद माल कितने का बेचा, उधार माल कितने का बेचा, और बिके हुए माल के अंदर से हमारे पास में माल वापस कितना आ गया. नेट सेल्स सपोज 10 लाख रुपए की नेट सेल्स थी, नगद और उधार दोनों मिला के, और उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करने के बाद में 10 लाख रुपए की नेट सेल्स है. माल बिकने के बाद में 31 दिसंबर 2020 को वर्ष के अंत के अंदर हमारे पास में अनसोल्ड स्टॉक है, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द डेट ऑफ 31 दिसंबर 2020. सपोज हमारे पास में बिना बिका हुआ माल 2 लाख रुपए का माल हमारे पास में बचा हुआ था. नाउ वी विल असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस. क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड. 12 लाख रुपए इधर का टोटल आ गया. 12 लाख रुपए के अंदर से ये फिगर अपन लेस कर देंगे. ये 12 लाख रुपए के अंदर से ये फिगर अपन ने लेस कर दिए. ये जीरो, 8 और 2 10 की 0, 1 और 1 2, और 6 8 और 4 12. 4,20,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट. ये ट्रेडिंग अकाउंट एकाकी व्यापार में भी तैयार होगा और साझेदारी फर्म के अंदर भी तैयार होगा. देयर नो डिफरेंस. दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ब्रैकेट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L के अंदर अपन ने ट्रांसफर कर दिया. जर्नल एंट्री क्या हुई, एरो विल कम डाउन ट्रेडिंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
ये कौन सा पार्ट है इस अकाउंट का? फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट स्टैंड्स फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पार्ट स्टैंड्स फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बोथ टाइप ऑफ बिजनेसेस, वेदर इट इज ए सोल ट्रेड और ए पार्टनरशिप फर्म। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब मैं इसकी पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करूंगा, तो यहां पर पोस्टिंग क्या आएगी? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का था? 4,20,000 रुपए का। ये 4,20,000 रुपए का हम ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ले आए। इधर से भी वही जर्नल एंट्री बनेगी, पी एंड एल यहां से स्टार्ट हो रहा है, एरो विल गो अप ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां से भी वही एंट्री बन रही है ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या करेंगे? इनकम्स एंड गेन्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ऑल इनकम्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कौन से इनकम और गेन्स आएंगे? बिजनेस को ऑपरेट करने से जो इनकम हुई, बिजनेस का संचालन करने से, बिजनेस को चलाने से जो लाभ हुआ, जो इनकम हुई और गेन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, अप्रेंटिसशिप फीस है, कमीशन रिसीव्ड है, एटसेट्रा। इनकम्स एंड गेन्स, सपोज हमारे पास में 70,000 की इनकम्स एंड गेन्स आई। डेबिट साइड के अंदर पी एंड एल अकाउंट के अंदर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच आर अपोजिट ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, यानी कि विच आर नॉट रिलेटेड टू द परचेजेज ऑफ गुड्स एंड विच आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी एक्सपेंसेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डिस्काउंट अलाउड, मैनेजर्स कमीशन, एटसेट्रा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रिलेटेड टू द ऑफिस एंड रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, ऑल दीज एक्सपेंसेज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, माना कि साल भर के अंदर हमारे 1,10,000 रुपए के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गए। इसके अलावा लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस हो चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, ऑल द लॉसेज आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, टू लॉस बाय फायर, आग से माल जल गया या एसेट्स जल गई या कैश जल गया, 40,000 रुपए का माल आग से जल गया। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कौन कैलकुलेट करेगा? अभी मैं बात कर रहा हूं सोल ट्रेड की। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, राम या राम का अकाउंटेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेगा। क्रेडिट साइड इज वंस अगेन एक्सीड्स द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ गया? 000,02+7,94,90,000। इस 4,90,000 के अंदर से 1,10,000 और ये 40,000, इसको अपन लेस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो क्या कहलाएगा? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना आया? 4,90,000 के अंदर से हमने इसको लेस कर दिया। 000,01 और 4,55 में क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए? 5 और 4, 9, 1 और 3, 4। 3,40,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट कौन लेगा? बट नेचुरल राम लेगा, बिकॉज द राम इज द ओनर। सो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। दिस कैपिटल अकाउंट
इज रिप्रेजेंटेटिंग टू द राम। ये किससे रिलेटेड है? राम से रिलेटेड है। तो एक सवाल पैदा होता है कि मैंने यहां टू राम क्यों नहीं लिखा? अकॉर्डिंग टू द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग द नेम ऑफ ऑनर इज नॉट मेंशन्ड इन द केस ऑफ सोल ट्रेड। पार्टनरशिप के अंदर तो पार्टनर्स का नाम आ जाता है, लेकिन एकाकी व्यापार के अंदर व्यापार के मालिक का, व्यापार के स्वामी का, व्यापार के ओनर का नाम नहीं आता है। यहां तक अप टू दिस स्टेज, अप टू प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर इज नो डिफरेंस इन द अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेड एंड ए पार्टनरशिप फर्म। अब मैं बात कर रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग दिस एग्जाम्पल इन टू ए पार्टनरशिप फर्म। अब मैं इसी एग्जाम्पल को पार्टनरशिप फर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। सपोज एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, एक्स और वाई 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर, 3/5 एक्स का, 2/5 वाई का हिस्सा प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डिट्टो बनेगा, पीएनएल अकाउंट करीब करीब एप्रोक्स डिट्टो बनेगा, फर्क क्या होगा? यहां पर मैं ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये जो 3,40,000 रुपए का जो नेट प्रॉफिट है, इट विल नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, इट विल ट्रांसफर्ड टू एन एक्स्ट्रा अकाउंट विच नेम इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं यहां से कैपिटल अकाउंट को मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद में मैं यहां पर क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाते के अंदर यह मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। जनरल एंट्री क्या बनी? पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एरो विल कम डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट्स द डिफरेंस। एकाकी व्यापार में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया और साझेदारी फर्म के अंदर हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड पार्ट स्टैंड्स फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एकाकी व्यापार में इसके बाद में डायरेक्ट बैलेंस शीट बनती है, जबकि साझेदारी फर्म के अंदर इसके बाद में थर्ड पार्ट और बनता है। एंड थर्ड पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लोवेस्ट पार्ट ऑफ दिस अकाउंट स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो थर्ड पार्ट, व्हाट इज द जनरल एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो इसकी साइड चेंज हो जाएगी। एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग क्या आएगी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम जनरल एंट्री, एरो विल गो अप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 3,40,000 रुपए। ये 3,40,000 रुपए का प्रॉफिट साझेदारी फर्म की अकाउंटिंग की कंडीशन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। एकाकी व्यापार के अंदर इसको कौन सा लाभ बोलते थे? नेट प्रॉफिट बोलते थे, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। यदि ये साइड ज्यादा होती तो शुद्ध हानि आती। अब पार्टनरशिप फर्म की दशा के अंदर इस प्रॉफिट को क्या नाम देंगे? इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं नियोजन योग्य लाभ, जबकि इंग्लिश के अंदर इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? एप्रोप्रिएबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएबल, PRIABLE, एप्रोप्रिएबल प्रॉफिट्स, नियोजन योग्य लाभ है। और इन लाभों का नियोजन करने के लिए एक एक्स्ट्रा अकाउंट इज ओपन्ड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन से डेटाज उसके अंदर दिखाए जाते हैं,
कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस उसके अंदर दिखाई जाती है, लाभों का नियोजन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि योर क्वेश्चंस योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।